क्या किया आपने? अब उसे झूठ क्यों बोला? अब उसको तोड़ दिया आपने। चले जाने देते हैं मुझे यहां से। आपकी गुनहगार मैं हूं। अब उसको क्यों? सवाल का जवाब नहीं दिया। रुकिए, आपने अब भी मुझे जवाब नहीं दिया। अब वो मुझसे नाराज थी, मुझे घर से निकाल रही थी। ठीक था, सहना ही था मुझे, पर आपने आपने झूठ क्यों कहा? आपके झूठ ने इस पूरे किस्से में मेरी सजा बांट दी। अब वो जिनकी कोई गलती नहीं है, सजा उन्हें भी मिल रही है। टूट गई है वो, और मैं जानती हूं कहीं ना कहीं ये सजा आप ही पा रहे, क्योंकि आपने ऐसा इतना विश्वास करती थी वो आप पर। आपको उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जवाब दीजिए आप मुझे। तो क्या करता आप बताइए मुझे कि मैं क्या करता? चुपचाप खड़ा रहता या फिर आपको घर से बाहर जाने देता? संध्या जी, मैं जानता हूं मेरी बाबू गलत नहीं, उनकी अपनी सोच है, अपनी मान्यताएं हैं उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा तो भाबों के साथ भी हुआ है ना। और साथ में मैं ये भी जानता हूं कि ये धोखा आपने नहीं दिया, आप सच्ची हैं, विश्वास है मुझे आप पे। तो कैसे कैसे पाले ने देता आपको ये सजा? संध्या जी, अगर आप मेरी जगह पे होती तो आप क्या करती? किसका साथ देती और किसका ना देती? चुप रहती या बोलती या फिर ना बोलती? सच या झूठ के बारे में सोचती या फिर अपने परिवार के बारे में सोचती? ये घर सोचती या परिवार सोचती? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए मुझे। बोलती क्यों नहीं आप?
एक बार कहा है आपसे कि आप चुप मत रहा करो। आप जानती है ना कि ये चुप रहना कितनी सारी गलतफहमियों को पैदा करता है। सब कुछ गवा दिए चुप ने। कितनी बार मैंने आपसे पूछा कि संध्या जी आप चुप क्यों रहती हैं? आपके मन के अंदर क्या है, कह दीजिए। लेकिन आपने कभी नहीं कहा मुझे। अगर आपने बोल दिया होता ना तो आज ये बेटा अपनी मां के सामने झूठा कभी नहीं पड़ता। अफसोस आप नहीं बोल पाए क्योंकि शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं था। और अगर आपने बता दिया होता तो मैं भाभों को कैसे भी करके समझा लेता। पर अफसोस संध्या जी क्या आपको विश्वास नहीं हो पाया। और आज ये हालात हो गए हैं कि आपने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। एक सवाल मेरे पास भी है। जब आपको आपके भाई के बताए हुए झूठ का पता चल ही चुका था तो फिर आपने ये झूठ छुपाया क्यों? क्यों एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलती रही? सच को छुपाने के लिए आप झूठ को ही तो बढ़ावा दे रही थी ना। क्यों किया आपने ये सब? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा किसी की नजरों में झुके। वो सच्चे थे। हालात उन्हें भावों के सामने बुरे रूप में लेकर आते। मेरे लिए उनकी इज्जत बहुत बड़ी चीज है। मुझे चाहे कुछ भी कह लो लेकिन उनके लिए कुछ नहीं सुन सकती थी मैं। जिन्हें इतना चाहा हो, इतना सम्मान दिया, पर इस तरह के इल्जाम लगना, उनका अपमान नहीं सहन कर सकती थी मैं, नहीं कर सकती थी। बस इसलिए मैंने ये झूठ बोला। शायद आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। मैं अभी भाभों के पास जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अभी आप भाभों के पास मत जाइए, बात और बिगड़ जाएगी। मैं देखता हूं। Thank you.
नहीं रह सकती।